तो आज की हमारी इस क्लास में अतीत जी के साथ हम फॉर्मूला करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला रिपोर्ट ऑटोमेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर्मूला की पहली क्लास में हमने इफ वगैरह और डेट वगैरह की फॉर्मूले की थी। हम बात करेंगे आज लुकअप ऑफ डेटा समराइजेशन के फॉर्मूले के बारे में, जो कि किसी भी रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए बहुत जरूरत होती है। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का परमिशन मैंने अतीत जी आपको दे दिया है, आप स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में। रेफरेंसेस फॉर्मूले, देखिए रेफरेंसेस फॉर्मूले जो है कुछ हद तक किसी और फॉर्मूले के साथ मिलने के बाद एक अच्छा खासा इफेक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्मूला है रो का, हमने एक रो का फॉर्मूला लगाया। तो रो का फॉर्मूला क्या करता है कि जिस सेल में हम लगाते हैं ना, उस सेल का रो नंबर देता है, या फिर जिस किसी और सेल में हमने लगाया तो उसका रो नंबर देता है। कॉलम फॉर्मूला भी सेम वर्क करता है कि जिस सेल में हम लगाते हैं उस सेल का कॉलम नंबर देता है। यहाँ पे राइट yes. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक एड्रेस फॉर्मूला होता है जो दोनों का एड्रेस बना देता है कि इन दोनों को इसने सेलेक्ट किया कॉमा और एक एड्रेस यहाँ दे दिया। अब इस एड्रेस में हम इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू आएगी, जैसे कि D6। तो D6 में अगर मैं कोई वैल्यू डालते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे वैल्यू वहां पर रिप्रेजेंट कर देगा। अब इनडायरेक्ट क्या करता है, देख क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए A1 पे 500 टाइप किया हुआ, राइट, और मैंने यहाँ पे A1 लिख दिया और मैं बोलता हूँ कि मैं इक्वल इसको सेलेक्ट करूँ तो A1 रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। जी जी, इस वन का वैल्यू उठा लो, ठीक है, A1 इस A1 का वैल्यू उठा लो। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि नहीं उठाएगा, क्योंकि G3 इस पे लिखा हुआ A1 को रेफरेंस नहीं मान रहा है, क्या मान रहा है, एक्सेल मान रहा है, एक ABCD मान रहा है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ इसमें हम जिसे लगा के एंटर प्रेस करते हैं तो इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, रेफरेंस में, और यहाँ पे आपको रेफरेंस देता है। ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए इनके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे नेम लिया जो कि आप देख पा रहे हैं और मैंने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैन फैट कर देता हूँ। यहाँ पे हम जैन फैब मार्च अप्रैल मई पूरा दिसंबर तक ले जाते हैं। और यहाँ पे रैन बिटवीन कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी, और हम यहाँ वापस इस पे करते हैं वैल्यू बेस्ड। अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर यहाँ पे किसी पर्सन का, जैसे मैंने नाम लिख दिया कि भाई मुझे ओम का क्वार्टर वन का, जो क्वार्टर वन है उस क्वार्टर वन का टोटल दिख जाए, मतलब कि जैन है मार्च का टोटल दिख जाए। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या करें हम, तो इस पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जी हाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ढूंढता है, उसका रो इंडेक्स नंबर देता है। लेकिन मैं यहाँ कैसे करूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक चूज का फॉर्मूला लगा दिया। चूज के फॉर्मूले में हमने बोला कि अगर ये वन हो तो जैन आए, क्वार्टर वन हो तो जैन आए, क्वार्टर टू हो तो अप्रैल आए, मतलब कि मैं हर क्वार्टर की पहली मंथ को यहाँ ला रहा हूँ। तो चूज फॉर्मूला, अगर यहाँ पे वन हुआ तो पहला दे देगा, टू हुआ तो दूसरा दे देगा, थ्री हुआ तो तीसरा दे देगा, चार हुआ तो चौथा दे देगा। ये देखिए जैन आ गया। अब मैं यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ और इस मैच के फॉर्मूले की मदद से मैंने क्या किया, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऊपर और कॉमा जीरो कर देता हूँ, तो आपके सामने देखिएगा टू आ रहा है, मतलब कि दूसरा नंबर कॉलम। अब मेरे पास रो नंबर टू और कॉल, रो नंबर सेवन और कॉल नंबर टू अवेलेबल है, तो यहाँ हम एड्रेस की फॉर्मूला से इसका सेल एड्रेस तैयार करेंगे। तो कॉल नंबर सेवन एंड रो नंबर टू, और फिर वापस हम एड्रेस लगाते हैं, जिसमें हम ये रो नंबर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉलम नंबर में प्लस टू कर देते हैं। तो देखेंगे कि B7 से D7 आ गया। लेकिन क्या होता है, जब हम कोई सम का फॉर्मूला या कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो जो रेफरेंस हमारा होता है ये B2 से D2 इस तरह से लिखा होता है। तो चलिए हम इसी तरह से इसको कर देते हैं कि N% इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन अगेन N% हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखिए B7 से हमारा D7 दिख रहा है। और फिर यहाँ हम इक्वल सम करेंगे और सम में लगाएंगे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे और आप देखिएगा कि रिजल्ट 152 आ चुका है, 152। ओके, बट इन सबों को आप फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के यूज करते हुए इनको एक सेल में आसानी से कंबाइन किया जा सकता है। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ पे हमारा C15 है उसके जगह पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, मतलब कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर उसी तरह से जो हमारा ये मैच का फॉर्मूला है इसको कॉपी किया और जहाँ जहाँ B16 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। बस इक्वल कॉपी नहीं कीजिएगा, जहाँ B16 हम इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, हमें B16 को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा D15, जहाँ जहाँ D15 का फॉर्मूला है वहाँ वहाँ पे D15 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी हम D15 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, मतलब अब ऊपर वाले को भी हमें डिलीट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं किसमें, C16 का फॉर्मूला कॉपी करते हैं
और यहाँ C16 है, हमने इसके जगह उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहाँ हमारे पास D16 है, इसके जगह पे हम D16 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया, और ये फिर वापस इसको पूरे कॉपी करते हैं और इनडायरेक्ट वाले के अंदर में उसी E16 के जगह पे पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो जरूरी नहीं कि जो आपको जिसकी जिस काम के लिए आपका प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम उसका फॉर्मूला अवेलेबल ही हो, हम इस तरह से कुछ फॉर्मूले को आपस में इंटीग्रेट करके बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, अब अगला बात करेंगे लुकअप्स के बारे में, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक डेटा, तो हम यहाँ एक डेटा डाउनलोड करते हैं, चलिए। तो ये हमारे पास डेटा है, अब मैं यहां पे लुकअप का फॉर्मूला लगाना बनाना है मुझे लुकअप का फॉर्मूला। जैसे एक बड़ी डेटाबेस पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटाबेस है, मुझे इस डेटाबेस का डेटा उठा कर रखना है, आप बोलोगे कॉपी पेस्ट कर ले, प्रॉब्लम क्या है कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास करीब 700 का डेटा है और मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा का, और देखेंगे इसके अंदर जो टोटल डेटा है 7791 है और मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को निकालना है, जैसे कि 500, जैसे कि 412 इस तरह के। तो जनरली आप जो है कंट्रोल एफ करके डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ वी लुकअप लगाते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वी लुकअप आता भी होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बेसिक लेके चलता हूँ और बताता हूँ कैसे करते हैं। हमने वी लुकअप में लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, अपने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम नंबर 2, 0 हम एंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट आता है हमारा पुनीत। सिटी के लिए, क्योंकि हर कॉलम के लिए आपको मैनुअली एक एक करके इसी तरह से वी लुकअप लगाना होगा, जी हाँ, एक एक करके इसी तरह से मैनुअली वी लुकअप लगाना होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि तो दिक्कत हो जाएगी ना, हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो इसको हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, बट ड्रैग करने से पहले हमें करना होगा फ्रीज, और उसके बाद ड्रैग कर सकते हैं, पर जब हम ड्रैग करेंगे तो पर अगर ड्रैग किया तो 3 तो फिर 3 रहा ना, 3 फिर इसको चेंज करना पड़ा, मैनुअली 4 करना पड़ेगा। तो इसका 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं ऊपर में एक रो ऐड करके सारे कॉलम नंबर को मैनुअली लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3, 4, 5 इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहां पे जो 4 है ना, 4 के जगह पे 4 का जो सेल वैल्यू है D1 उसको ले लेता हूं। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो 1 को फ्रीज करना होगा, तो हम यहां 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे आगे पूरे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। हो गया, लेकिन मुझे इस कॉलम रख एक कॉलम रखना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉलम का फॉर्मूला बताया था कि कॉलम के फॉर्मूले में किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं डेटा में मैंने सिलेक्ट कर लिया किसका नेम को, उसका नंबर 2 आया, और हमें वी लुकअप में 2 ही देना होता है, तो क्यों ना हम वी लुकअप लगाते समय इसका इस्तेमाल कर लें। तो वी लुकअप में हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम नंबर के लिए, और यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं कॉमा 2 के जगह पे हम करते हैं कॉलन, और यहाँ पे हम नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। अब मुझे आगे ड्रैग करने के लिए अपने रोज को क्या करने पड़ेंगे, फ्रीज करने पड़ रहे हैं,
और फिर इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ पे चीज़ और भी आती है, कई और लोग पूछते हैं कि सर मुझे बार बार वीलुकअप लगा के फ्रीज करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही वीलुकअप लगा एक ही लगाए और मुझे मेरा पूरा डेटा आ जाए। तो वीलुकअप लगाने से पहले आप अपने कॉलम नंबर्स को देख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, वीलुकअप लगाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप 1, 2, 3, 1 तो नहीं होगा, 2 से स्टार्ट है ना, आपने कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। करीब क्लोज किया, कॉमा किया, जीरो एंटर प्रेस कर दिया तो ये आरएफ आ गया। आरएफ इसलिए आया क्योंकि हमने 20 21 दे दिया, इसमें 20 ही तक ये कॉलम है हमारा। अब देखिए पूरा डेटा आ गया सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बहुत लंबा पड़ गया, कुछ कम हो सकता था। जी हाँ, कम हो सकता था, हमें इसके लिए लगाना पड़ेगा वी लुकअप। वी लुकअप में हमने यहाँ लिया, टेबल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम एक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है लगा के देखते हैं। सीक्वेंस हमने यहाँ बोला कि रो एक होगा कॉलम 20, रो नहीं रो एक होगा कॉलम होगा 20, स्टार्ट होगा 2 से और स्टेप होगा 1, 0। हुआ क्या, सीक्वेंस फॉर्मूला करता क्या, वही करता है जो कर्ली ब्रैकेट में आपने भी नंबर 1, 1, 2, 3 किया, सेम वही तरह से सीक्वेंस भी करता है कि आपने सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया, रो नंबर 1 दिया, कॉलम नंबर मैंने 5 दिया, स्टार्ट हमने 1 से दिया और एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में एक गैप होना चाहिए, हम एक कर दें। आगे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपने सीक्वेंस फॉर्मूला लगाया और रो नंबर आपने कर दिया 5, कॉलम नंबर कर दिया 1, आपने बोला स्टार्ट 2 से होगा और स्टेप क्या होगा, फिर बोला 1 होगा, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस फॉर्मूला करता है और इसका यूज हम लुकअप में करते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जब आपके पास यहाँ पे आईडी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास, मैंने यहाँ पे आईडी नंबर लिख दिया, यहाँ पे हम अपनी आईडीज को दे देते हैं कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ कॉलम्स है, कॉलम हमारा पूरा नहीं है और ये चेंज भी होते रहता है। जी हाँ, ये हमारा चेंज भी होते रहता है, तब क्या करेंगे, तब तो वीलू का दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैच का फॉर्मूला बताया था, मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैच, मैच में मैंने जैन को सिलेक्ट किया और हमने डेटा में चले गए, डेटा में इसको सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है, प्रशंसा जी कर दूंगा रिकॉर्डिंग से। अब यहाँ पे मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेबल में जाता हूँ और अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा, और जो हमारा यहाँ पे नंबर 2, 3, 4, 5 जो हम देते हैं ना,
इस नंबर के जगह पे हम इस मैच फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहां हमारा रवि लिखा हुआ आ रहा है, इस रवि के जगह पे इसको पेस्ट करके एंटर मार देते हैं। आप देखिए आ गया, लेकिन इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले मुझे यहाँ पे एक डॉलर साइन देना पड़ेगा, ताकि जब मैं ड्रैग करूं तो ये अपना क्या चेंज ना करे, रेफरेंस चेंज ना करे। एंटर प्रेस किया और ये देखिए आपके सामने चेंज हो गया। तो ये वी लुकअप था। अब इसमें चलिए कुछ और चीजों पे देखते हैं। मान लीजिए मैंने छोटा सा डेटा लेता हूं, अब ये डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया है, मतलब मैंने पेस्ट स्पेशल करते समय मैंने ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि मेरा जो यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे लुकअप करना है वो अब रो वाइज नहीं कॉलम वाइज है। और मुझे मान लीजिए 8 नंबर का नेम पता करना है या 8 नंबर की जैन का सेल पता करना है, तो इसके लिए हम एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं कि एच लुकअप, और हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं डेटा कॉमा, इसमें रो नंबर नहीं कॉल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 कॉमा 0। तो एच लुकअप वी लुकअप की तरह होता है, बट ये वर्टिकली सब चीज करता है और कुछ खास इसमें नहीं है। लेकिन कब प्रॉब्लम कब होती है, जब आपके पास डेटा स्टार्टिंग में ना हो। जैसे मैंने यहां पेस किया डेटा को, पेस किया और जो आईडी स्टार्टिंग में ना होगे ये चला गया बीच में। अब यहां प्रॉब्लम होगी कि मुझे अगर आईडी नंबर 5 का नेम चाहिए तो वी लुकअप लुकअप नहीं कर सकता। इसके दो तीन मेथड है। सबसे पहले मैं यहां पे मैच फॉर्मूला के माध्यम यूज करके हम पता कर लेंगे कि आईडी का रो नंबर क्या है, जो कि 6 है। अब मेरे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला है, जो कि एक डेटा को हम सिलेक्ट करके एक सीक्वेंस नंबर देते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया रो नंबर जो मैच ने दिया था और कॉलम नंबर हमने 1 कर दिया, तो रिटर्न आपके सामने आ गया। मतलब कि मैच इंडेक्स को मिला दो तो ये वी लुकअप की तरह काम करेगा और कहीं से भी डेटा लुकअप करके हमें दे देगा। लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। कल के डेट में डेटा का कॉलम या रो बढ़ता है तो इंडेक्स प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है ऑफसेट का। ऑफसेट को हमें सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि हमने सेलेक्ट कर दिया A1 को। इसमें हमारा जो रो नंबर है, मैंने बोला रो नंबर 6, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑफसेट 0 से काउंट स्टार्ट करता है, इसे एक नंबर बढ़ जाता है, इसे एक माइनस करना पड़ेगा। कॉल नंबर 0 और आप देखेंगे कि ये आपका रवि आ गया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास फॉर्मूला है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फॉर्मूला जो कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से चलता है। इसमें लुकअप वैल्यू आप किसमें ढूंढना चाहते हैं, मैं इसमें ढूंढना चाहता हूं, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, तुमने बोला कि रिटर्न नेम करना है। और एक्स लुकअप एच लुकअप का भी वर्टिकली भी काम करता है, हॉरिजॉन्टली भी काम करता है, दोनों काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक छोटी सी बात और भी आती है, जैसे कि आईडी से हम लुकअप कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम आईडी से नहीं, हम नेम से लुकअप कर रहे हैं, तब हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मुझे अगर मान लीजिए मेरे पास दो नेम कई बार रिपीटेड है, बट डिफरेंट सिटी में है, जी हाँ डिफरेंट सिटी में है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और मान लीजिए कि मुझे पूजा जो कि यहाँ रायपुर में है, पूजा जो रायपुर में है मुझे उसका टोटल चाहिए, तो वी लुकअप नहीं कर पाएगा। वी लुकअप भी एक से ज्यादा चीजों पर नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम एक कॉलम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे यहां से डैश
वापस हमने इसमें एंड परसेंट करके वापस हमने कंबाइन कर दिया और एंटर प्रेस करके नीचे करते हैं, एक यूनिक आईडी हमारा बन गया। अब वी लुकअप लगाते समय भी हम सेम काम करेंगे कि इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देंगे और यहां डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमा 2, 0। तो दो एडी H3 एंड I3 AD 2, 0 एंड अरे स्पेस दे दिया क्या हमने कोई नहीं सही है पूजा पुणे में देखते क्या है हाँ प्रॉब्लम है उसमें ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अजीत का हमने दे दिया अजीत अजीत नोएडा पुणे में तो है नहीं अजीत कहाँ है तो अजीत है नोएडा में तो नोएडा दिया तो आ गया। अब यहाँ पे 2 के जगह पे मान लीजिए मुझे ये चाहिए जनवरी का चाहिए 3 कर दूंगा तो इसका आ जाएगा सिटी आ जाता है 4 करता हूँ तो सेल आ जाता है हाँ जी हाँ सर क्या करवाना था सीक्वल हाँ मैं कॉल करता था ना क्लास में सुजीत कुमार सिंह कर दिया। अब मेरे पास नाम डेटा में जो नाम है पूरा नाम है बट यहाँ पे जस्ट सुजीत लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं और वी लुकअप के फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं कॉमा डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉमा 3, 0 एंड आएगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच होता है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये जो 0 किया उसके जगह पे 1 कर दीजिए ऐसा कुछ नहीं है आपको क्या करना है कि इनके दोनों तरफ लगा देनी है स्टार इसको जाता है कंटेनमेंट मतलब कि अगर मैंने स्टार सुजीत लिख दिया तो ये हो जाता है एंड विद सुजीत अगर मैंने सुजीत लिख के स्टार कर दिया ये हो जाता है स्टार्ट विद सुजीत अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया तो 3 डिजिट का जो नाम होगा उसको लुकअप करके दे देगा कोई भी नाम होना चाहिए ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपली और कोई खास इसमें चीज़ें नहीं है। अब प्रॉब्लम कब आती है जब आपके पास दो तरह का डेटा है मेरे पास डेटा 1 है और यहाँ पे हमारे पास डेटा 2 है। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टी शीट व्यू लुकअप की जैसे यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10 तक तो यहाँ पे दिया हुआ है एक सीट पे तो 10 तक जो दिया हुआ है एक सीट पे दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं और दूसरे सीट पे मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 से तो यहां हमारा 11 से अब मुझे इन दोनों के बीच में लुकअप करना है। जी हाँ इन दोनों के बीच में क्या करना है लुकअप करना है मतलब कि हम एक ऐसा भी लुकअप लगाना चाहते हैं जो दोनों शीट पे वर्क करे। जी हाँ दोनों शीट पे वर्क करे तो यहाँ आईडी में मेरे पास 1 भी है 11 भी है 2, 4 भी है और 14 भी है 19 भी है और 9 भी है मिक्सअप है तो इसका नाम कैसे लेके आएंगे क्योंकि अगर आप एक वी लुकअप लगाओगे तो उसमें क्या दिक्कत होगा कि किसी एक सीट से ही डेटा को लुकअप कर सकते हो एक से ज़्यादा सीट से डेटा को आप लुकअप नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ए आपका 1 जो है एन आया क्योंकि सीट 1 में नहीं है अगर इसी को हम सीट 2 कर देंगे तो सीट 2 में है तो दो वी लुकअप कैसे लगाएंगे एक सेल पे। जी हाँ लगेगा क्योंकि एक वी लुकअप यहाँ पे एरर दे रहा है इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा वी लुकअप सीट 2 से लगाया कॉमा 2, 0। अब इन दोनों वी लुकअप को मैं इफ एरर के अंदर में डालूंगा इफ एरर करेगा कि अगर पहला वी लुकअप एरर देगा
दूसरे से दूसरे का डेटा लेगा, मतलब कि आप जो है दोनों VLOOKUP को इस एरर के अंदर में एक साथ लगा सकते हैं। अतीत जी समझ में आ रहा है ना आपको सर? ये देखिए सी, तो दोनों VLOOKUP को हमने एक साथ एक सीट में लगा दिया। अब इसको कट करके डाल दीजिए तो दो सीट से आ गया। तीसरा सीट मान तीन सीट है तो फिर एक और ही फेरा और एक और VLOOKUP लगेगा। इसी तरह से आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि VLOOKUP के अंदर जो मान के अंदर हम जो है 1, 2, 3 जो मतलब कि जो हमारे पास 0 और 1 डालते हैं लास्ट में एग्जैक्ट मैच करने के लिए, उसमें हम 1 कब डालेंगे? तो एक सेल्स का हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, मुझे इस पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा जब मैंने आपको इफ का क्लास दिया था उसमें हमने यहाँ बोला था कि 0 to 40 है, 41 to 50 है, 41 to 80 कर देता हूँ, 41 to 80 है और आपका 81 to 100 है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि 500 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए और यहाँ पे हमने बोल दिया 2000 आना चाहिए और ग्रेटर देन 100 अगर मान लीजिए होता है तो 5000 आना चाहिए। ये हम VLOOKUP से भी कर सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं, आप यहाँ सबका स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए 0, 41, 81, 101 और इसके आगे जो आपने है इंसेंटिव जो देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम लगाते हैं VLOOKUP। इसको सेलेक्ट करते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं और comma 2, comma 0 एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर हमने 0 कर दिया तो 20 तो है नहीं, दिखा नहीं, लेकिन 0 के जगह पे अब यहाँ पे हमें 1 मतलब कि ट्रू करना है, अप्रोक्सीमेट मैच को करना है तो एक ग्रुप लुकिंग करेगा। देखिए कि 20, 41 और 0 के बीच कैसे 5 दिया, अगर मैं इसे 45 कर दें तो आप देखेंगे 1000 आएगा, मतलब कि 41 81 के बीच में। ओके, तो ये थी हमारी VLOOKUP की सिंपल क्लास। अब बात करते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे कुछ रिपीटेड वैल्यू को उठा रहा हूँ, मैंने 100 डेटा उठा लिया, इसमें नाम जो मेरा है कई बार रिपीटेड है। अब मुझे रिपीटेड वैल्यू चाहिए, कैसे होगा? जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पूजा लिखूँ और पूजा का सारा वैल्यू यहाँ पे आ जाए, कॉमा करेंगे 6841 कॉमा इस तरह से। तो इस ये देखिए, इसके लिए आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाकी उन्हें आपको नॉर्मली VBA का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इग्नोर। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, बोला कि अगर एक इक्वल टू हमारा पूजा है तो ये वैल्यू शो कर दो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। एंटर प्रेस किया, आप देखिए सारे नंबर यहाँ पे कॉमा करके आ गए। लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मूले का यहाँ पे पूरा नाम पूरा चाहिए, जैसे लोग फिल्टर करते हैं ना उस तरह से, तो उस केस में हमें फिल्टर का फॉर्मूला आपके पास है तो लगा सकते हैं। फिल्टर, फिल्टर में हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, कौन सा डेटा है इंक्लूड, और फिर आप जो कॉलम जिसमें अपना मैच करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए इक्वल, तो अपना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आ गया पूजा, पूजा आ गई। लेकिन मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि आए डेटा तो शॉर्टेड आए, तो इसमें आपके सामने एक शॉर्ट का भी फॉर्मूला होता है कि शॉर्ट, शॉर्ट में हमने यहाँ दे दिया शॉर्ट इंडेक्स, तो तीसरा कॉलम जिसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है और शॉर्ट ऑर्डर हमारा असेंडिंग है, तो फिल्टर डेटा देगा ही नहीं, वो शॉर्ट करके डेटा देगा, जैसे कि आप दे सकते हैं किसने डेटा को शॉर्टेड वे में आपको दे दिया। ओके, अभी ये जून जो है रीस्टार्ट होगा, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज।
यस सर। Recording in progress. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल डेटा को लुकअप कर सकते हो। अब चलिए हम कुछ मैथमेटिकल के छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं, कभी कभी उसकी भी जरूरत हमें पड़ जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए जो फॉर्मूला है वो है एबीएस का एब्सोल्यूट। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास प्लस होता है और माइनस होता है, मुझे इसको प्लस को तो प्लस रखना ही है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला एबीएस। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये देखिए आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया, इसकी जरूरत भी पड़ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला एग्रीगेट का। अब एग्रीगेट फॉर्मूला पढ़ाने से पहले हमको पढ़ाना होगा आपको सब टोटल का फॉर्मूला। अब सब टोटल फॉर्मूले के लिए चाहिए डेटा। आपके सामने डेटा दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक टोटल कर दिया। अगर मान लीजिए मैं जनरली जो सम का फॉर्मूला होता है उस सम के फॉर्मूले को जनरली सिंपल सा लगाया तो रिजल्ट ए आया। लेकिन जब हम इसको फिल्टर करते हैं, अब फिल्टर में हम दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 43168 आपको दिख रहा है, 43168 दिख रहा है, पूरा ही दिख रहा है, जबकि इसका टोटल दिखना चाहिए था ना हमें। तो यहाँ पे हम जो है सब टोटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि सब टोटल में मान लीजिए मैंने यहाँ पे सम को सिलेक्ट किया और कॉमा हमने अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब टोटल तो आया है, लेकिन जब मैं इसको फिल्टर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ओनली फॉर टोटल नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, जो आपका यहाँ होना चाहिए, जो आपका विजुअल है उसी का टोटल आया है, ओवरऑल टोटल नहीं आ रहा है। लेकिन सब टोटल में छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एरर दे आ गया तो रिजल्ट भी एरर आएगा। तो सब टोटल की जगह पे हम लगाते हैं फॉर्मूला एग्रीगेट का। एग्रीगेट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना 9, यहाँ पे 0 नहीं, माफ कीजिए, मुझे यहाँ देना है एरर वैल्यू 7, एरर हिडन रो एंड वैल्यूज यानी कॉमा, फिर पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं आ गया और फिर बिल्कुल सब टोटल की तरह वर्क करेगा। उसके बाद आप कुछ डेसिमल्स के फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि 45.36 है, मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल अलग करने हैं या डेसिमल रिमूव करना है, तो
राउंड का फॉर्मूला होता है जो कि नियरेस्ट राउंड करता है, राउंड अप जो है हमेशा ऊपर में एक एक जगह देगा आपको, और राउंड डाउन हमेशा नीचे की तरफ होता है इस तरह से। अगर आपको मान लीजिए ये करना है, नंबर्स को करना है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 7074322 किया हुआ, मुझे इसको 500 के मल्टीप्लेक्स में राउंड करना है, जी हाँ 500 के मल्टीप्लेक्स में, तो यहाँ हम देते हैं राम, यहाँ पे देते हैं फॉर्मूला सेलिंग का, सेलिंग या सेलिंग मैथ का फॉर्मूला दीजिए, सिलेक्ट हो जाता है, और सिग्निफेंट, इसका जो सिग्निफेंट है वो है हमारा मान लीजिए 500, तो आप देखेंगे कि ये आपको 74500, मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा तो 500 के मल्टीप्लेक्स में ही देगा। अगर लोअर में करना है कि ये तो ऊपर में जा रहा है ना, नीचे आना चाहिए, तो हम फ्लोर या फ्लोर मैथ लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट में 500 देते हैं, ये आपका आ जाता है। लेकिन जब बात हो सिर्फ डेसिमल अलग करने की, तो कैसे क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक इंट का फॉर्मूला होता है जो कि डेसिमल को रिमूव करता है, तो सिर्फ डेसिमल लेने के लिए विथ डेसिमल माइनस इंट कर दीजिएगा तो डेसिमल रिमूव हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास मोड का फॉर्मूला है जो कि रिमाइंडर शेष पर निकलता है, इक्वल मोड, मैंने बोला कि 14 में से 5 का डिविडर है, तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, मतलब कि शेष, तो हम डेसिमल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो उसका शेष फल 0 आता है, लेकिन अगर हम उसको डेसिमल में होगा तो उसका डेसिमल प्लेस जाएगा, सिंपल सा ये आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम सम इफ डेटा समराइजेशन फॉर्मूले की, इसमें हम सम इफ फॉर्मूले के बारे में जिक्र करेंगे थोड़ा सा। हमने एक डेटा लिया और अगले शीट पे इसको हम डाल देते हैं, मान लीजिए मुझे इसमें से सम करना है, मुझे क्या करना है, सम करना है किसका, तो नॉर्मली सम करना तो बोलेंगे भाई पूरा सम लीजिए, सम का फॉर्मूला सम हो जाएगा, लेकिन सम विद कंडीशंस, मुझे इसमें से पूजा का सम करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ का, सम इफ में हमने रेंज दे दिया ए, कॉलन क्राइटेरिया दे दिया पूजा, और सम रेंज दे दिया जैन, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आ गया 38933 जो आप देख रहा है आपको, समय इसमें आप एवरेज इफ भी लगा सकते हैं, एवरेज इफ भी सेम काम करता है, एवरेज इफ मुझे इसमें से पूजा का एवरेज निकालना है, तो आपको यहाँ पे पूजा का एवरेज निकाल दिया। सेम हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला है कि आप काउंट इफ भी लगा सकते हो, और मैं बोला कि इसमें पूजा कितना बार आ रहा है ये काउंट करके आपको दे देंगे, लेकिन इसमें चीज और भी होती है ग्रेटर देन, मुझे मान लीजिए ग्रेटर देन 5000 की सेल्स निकाली है टोटल क्या है, तो आप सम इफ लगा सकते हैं, सम इफ में मैंने बोला रेंज, हमने इस रेंज को लिया और हमने अपना क्राइटेरिया ले लिया, अगर ग्रेटर देन 500 तरह से आपने लिख रखा है तो ये आपको निकाल के दे देगा, इसी तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन नॉट इक्वल टू यहाँ पे दे सकते हैं, और सेम उसी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा हुआ हूँ और मुझे सुजीत का टोटल में डेटा है, मान लीजिए सुजीत सिर्फ लिखा हुआ है, मुझे इसका टोटल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सम जैसे सम इफ लगाते हैं इसके एवरेज इफ और काउंट इफ भी लगता है, तो मैं बार सबका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया के अंदर में हमने सुजीत को सिलेक्ट कर लिया और सम में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए तो 0 आया। अगर मैं इसके दोनों तरफ स्टार लगा देता हूँ तो हो जाता है कंटेन विथ और आपका टोटल लग जाएगा, और जैसे हमने व्हील को अपने बताया था आपको सेम उस तरह से यहाँ भी वर्क करता है, लेकिन जब मुझे दो कंडीशन, मुझे देव और दिल्ली का चाहिए टोटल, लेकिन कौन सा ग्रेटर देन 5000, ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम इक्वल सम इफ्स लगाते हैं क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, और इसमें हम देते हैं सम रेंज। हमने बोला सम रेंज हमारा ए रहा, क्राइटेरिया वन रेंज ए रहा, क्राइटेरिया वन ए रहा, क्राइटेरिया टू हमारा सिटी है, और क्राइटेरिया जो है हमारे पास सिटी आ गया। क्राइटेरिया थ्री रेंज हमारा नेम है, ये है क्या बोलते हैं नंबर्स है, और ये रहा ग्रेटर देन 500 और आपके सामने देव दिल्ली का टोटल आ गया। इसी तरह से आप एवरेज इफ निकालना चाहे तो एवरेज इफ की मदद से निकाल सकते हैं कि एवरेज इफ्स मैंने सिलेक्ट कर लिया एवरेज एवरेज रेंज एंड क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री, तो आपके सामने डेटा एवरेज इफ काउंट इफ्स, काउंट इफ्स भी है, तो आप काउंट इफ्स भी इसी तरह से लगा सकते हैं। काउंट इफ्स हमने पहली क्राइटेरिया सेलेक्ट की, फिर दूसरी क्राइटेरिया ले लिया, फिर दूसरी क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, दूसरी क्राइटेरिया ले लिया, तीसरी चौथी, इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब मैक्स, ये हमारे पास मैक्स है, मान लीजिए पूजा का मैक्स निकालना है कि पूजा की मैक्सिमम सेल कितनी है, तो यहाँ पे मैक्स इफ का फॉर्मूला आएगा। मैक्स इफ और मिन इफ दो होता है, उसका फॉर्मूला आएगा। तो मैक्स इफ्स में हमने क्या किया, मैक्स रेंज ले लिया, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, ऐसी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब इफ्स की तरह यूज करोगे तो आपका मैक्सिमम आएगा। और सेम इसी तरह से मिन इफ्स आता है जो कि आप यूज कर सकते हैं कि मिनिमम रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू थ्री फोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे के चीजों पे हम जिक्र करेंगे।